आज रमज़ान का आखिरी जुमा है और इसे हम अलविदा जुमा भी कहते हैं और आप सभी को जुमा मुबारक। आज का दिन बहुत ही ख़ास होता है और आज के दिन मैं और मेरी मम्मी हम दोनों मिलके इफ्तार बनाने वाले हैं और आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ स्पेशल जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और वंस अगेन आप सभी को रमज़ान मुबारक एंड जुमा मुबारक। सो लेट्स सी आज की इफ्तारी। आज की इफ्तारी के लिए मैं और मेरी मम्मी बहुत सारी चीज़ें बनाने वाले हैं और जो मैं बनाने वाली हूँ वो है बटर चिकन एंड आई विल शो यू द रेसिपी ऑल्सो कि बटर चिकन कैसे बनता है। एंड लेट्स सी आगे आगे हम देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें बनती हैं आज की इफ्तारी के लिए, बिकॉज एक तो आज जुमा भी है, अलविदा जुमा बोलते हैं, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होता है और ये रमज़ान का लास्ट जुमा है। सो जो बटर चिकन है वो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स उसके लिए चाहिए हमें एंड ये बहुत इजी है बनाना, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सो बटर चिकन के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे थोड़ा सा बाउल में चिकन चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं लाइक 1 kg, 1/2 kg, जैसा भी है। तो हियर आई हैव टेकन सम चिकन और चिकन बोनलेस भी ले सकते हैं आप या विद बोन भी ले सकते हैं। एक छोटा चम्मच नमक डालेंगे, लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच और अदरक लहसुन का पेस्ट। आपके पास नहीं है तो आप घर पे भी बना सकते हैं, आई हैव दिस रेडीमेड पेस्ट। ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे, दही 2 चम्मच। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है अच्छे से। अब हम दूसरा स्टेप देखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब लेट सी द सेकेंड स्टेप। सो ये पैन गरम हो जाने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे बटर। तो ये फ्लेम हम हाई थोड़ा रखेंगे, तो फ्लेम लो पे नहीं रखना, थोड़ा हाई रखना है, क्योंकि अगर हम फ्लेम लो रखेंगे तो क्या होता है चिकन के अंदर पानी छोड़ने लग जाएगा और वो गल जाएगा। हमें अच्छा फ्राई करना है और उसको फ्राई करके हम साइड में रख देंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन काफी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम साइड में रख देंगे और इसी पैन के अंदर हम ग्रेवी बनाएंगे। हमारे सेकेंड स्टेप के लिए हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमें 3 टमाटर, 1 छोटा प्याज, मीडियम साइज प्याज, छोटी इलायची और ये बड़ी इलायची है और ये लॉन्ग है, नियरली 10 काजू, थोड़े से लहसुन। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम यूज करेंगे बटर चिकन के लिए एंड यस हम बटर भी यूज करेंगे इस रेसिपी के लिए। अब इसी पैन के अंदर हम बटर डालेंगे। हम सेम पैन यूज करेंगे, दूसरा पैन यूज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब इसमें डालेंगे ये कटे हुए प्याज, टमाटर, लहसुन, काजू, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, 2 लौंग,
स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे थोड़ा। अब हम इसको कम से कम 15 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि धीरे धीरे जो अंदर जो टमाटर है, प्याज है, ये सब अच्छे से गल जाए। तो ये काफी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। आपको इस तरीके से अच्छे से फ्राई करना है इसको, एंड देन उसके बाद हम ग्रेवी बनाएंगे और उसके अंदर हम इसको डालेंगे। जब भी हम कोई ग्रेवी बनाए या कोई सब्जी बनाए या आप जब भी बटर चिकन बनाए तो बीच बीच में आप टेस्ट जरूर करना, इससे आपको नमक मिर्च जो भी है उसका आपका बैलेंस पता चलता है, अगर ज्यादा है, कम है, कैसा है। ग्रेवी को अच्छे से पीसने के बाद ऐसा कंटेनर लेंगे और हम छन्नी रख देंगे। ये देख सकते हैं काफी अच्छी ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है। आई गरम हो जाने के बाद इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे। दो बारीक कटी हुई मिर्ची और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक। अब इसमें हम डालेंगे ग्रेवी। अब इसके अंदर हम ये फ्राई किए हुए चिकन डाल देंगे। बटर चिकन में मोस्टली शहद या नहीं तो थोड़ी सी चीनी भी डाली जाती है थोड़ा सा मीठा होने के लिए, बट यहाँ पे मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे मीठा पसंद नहीं है। आपको अगर चाहिए तो आप डाल सकते हो थोड़ा सा, बिल्कुल आधी चम्मच चीनी या आधा चम्मच शहद डाल सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है बटर थोड़ा बहुत मीठा होता है टेस्ट में, तो मुझे स्पाइसी एंड चटपटा पसंद है, तो आप अपने हिसाब से डाल लें। अब इसको हम ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, एक 10 मिनट तक हम इसको पकने देंगे, वो भी बहुत धीमे आंच पे। सो ये बटर चिकन रेडी हो गया है। अब हम इसको फाइनल टचअप देंगे, इस पे हम थोड़ी कस्तूरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा क्रीम। तो ये फाइनली बटर चिकन रेडी हो गया है। तो ये आज हमारे इफ्तार का स्पेशल डिश है, एंड इसके बाद भी और बहुत सारी चीजें हम बनाने वाले हैं, आई विल शो यू दैट आल्सो। तो यहाँ पे हमने ये इंग्रेडिएंट्स भी रेडी कर लिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम यूज करके पकौड़े बनाएंगे। ये स्प्रिंग अनियन है बारीक कटे हुए,
एक आलू छोटा बारीक कटा हुआ, ये धनिया है और ये सोया है। ये मेरी मम्मी बना रही है अंडे के पकौड़े। मैंने मेरा बटर चिकन बना लिया है, अब मम्मी बना रही है अंडे के पकौड़े। सो ये क्रिस्पी और टेस्टी से पकौड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम बना रहे हैं दही बड़े के लिए पकौड़े। ये दही बड़े बनेंगे इनके और इसको हम पानी में भिगो देंगे। और ये दूसरी चीज बन रही है, और ये बन रही है गुलगुले। ये आटे के होते हैं, मीठी पकौड़ी। ये इसका आटे का बैटर है, इसे मीठी पकौड़ी बोलते हैं हम लोग। रमजान के टाइम पे इफ्तारी के लिए बहुत सारी चीजें बनाते हैं हम लोग शाम को। यहाँ मैंने बघारा चावल बनाने के लिए कुकर को गैस पे रख दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी देसी घी थोड़ा सा, थोड़े से प्याज, और ये सब मसाले हैं जो हम इसमें डालेंगे। ये अच्छे से हमें प्याज को भून लेना है और इसमें सारे मसाले हम डाल देंगे। अब हम थोड़े से काजू भी डाल देंगे। तो ये यहाँ पे बघारा चावल बन रहा है जो मैंने अभी बनाया है, थोड़ा ये फ्राई होने के लिए रख दिया है। और वो मम्मी बना रही है प्याज के पकौड़े, जो कि मैंने आपको दिखाया था ना, ग्रीन कलर के प्याज, हरी पत्ती, स्प्रिंग अनियन, उसके पकौड़े अब बन रहे हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे और पानी डाल के कम से कम दो सीटी आने तक हम इसको छोड़ देंगे।